20 या 30 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद बाइक सीज हो जाएगा, ऐसा मतलब मैकेनिक बोल रहा हूँ मैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो भाई यार, बाइक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा नहीं गाइस यार, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी क्या हुआ है, अभी आप लोग गाड़ी देख लो, गाड़ी तो मतलब ऊपर से सब सही है, लेकिन गाइस यार इसका जो इंजन है ना, वो सीज के कगार पे आ चुका है। मतलब 20 या 30 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद बाइक सीज हो जाएगा, ऐसा मतलब मैकेनिक बोल रहा है। मैं ले गया था एक मैकेनिक के पास, मतलब दिखाया, तो वो बोल रहा है कि मतलब इसका एक्सीलेटर मतलब पूरा मैं जब ले रहा हूँ ना, तो गाड़ी मतलब चल ही नहीं रही है, मतलब भाग नहीं रही है उतना ज़्यादा, बस स्लो में चल रही है। तो वही मैं गया दिखाने कि भाई इतना स्लो क्यों चल रही है, तो उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी मतलब सीज के कगार पे आ चुकी है, 20 से 30 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद सीज हो जाएगी। तो वही मैं आज लेकर जाने वाला हूँ इसको दिखाने। जो बाइक का शोरूम है ना भाई, उसके बगल में मतलब एक मैकेनिक रहते हैं, तो वो मतलब काफी ज्यादा अच्छा जानकार है, बाइक के बारे में मतलब काफी ज्यादा अच्छा जानते हैं। तो उन्हीं के पास हम लोग लेकर जाएंगे और दिखाएंगे भाई यार कैसा है, क्या है कंडीशन इसका, मतलब सीज होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, वो खुद बताएंगे। तो चलो भाई यार देखते हैं भाई यार रास्ते में क्या होता है। मतलब जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे तो बोले थे कि मतलब 20 से 30 किलोमीटर चलेगा, उसके बाद सीज हो जाएगा। तो देखते हैं भैया रास्ते में क्या होता है। वीडियो में आप लोग बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल के अंदर सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो चलते हैं सीधा बाइक के सेटअप पे भाई यार, देखते हैं क्या होता है। तो भाई यार आप लोग देख लो, एक और प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई। रुको हम देखें, चलो भाई यार अपनी बारी, देखते हैं स्टार्ट होता है या फिर नहीं। चलो भाई यार गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी भाई यार, फर्स्ट बार में ही। बैठो भैया, अभी चलो चल। ओ भाई यार फिर से बंद हो गई, चलो भाई यार गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी ले चलते हैं सीधा भाई यार। शोरूम के बगल में है एक दुकान, वहां पे हम लोग दिखाएंगे, तो चलो चलते हैं भाई। अभी आप लोग देख लो फुल एक्सीलेटर भाई, लेकिन गाड़ी कुछ भाग ही नहीं रही है। तो चलो भाई यार यही सब प्रॉब्लम है, दिखाना है, दिखाते हैं क्या हुआ है। अभी मतलब दूसरे जगह गए थे तो वो तो मतलब बोले थे कि सीज हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है भाई। यहाँ से 25 किलोमीटर है जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग बने रहो। चलो चलते हैं भाई यार देखते हैं क्या होता है। भाई यार आप लोग देख लो फुल एक्सीलेटर, फिर भी कुछ नहीं हो रहा भाई, आप लोग देख लो एकदम आराम से चल रहा है ये, आप लोग देख लो एकदम फुल एक्सीलेटर भाई, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। चलो अभी देखेंगे भैया, उसके बाद से बताएंगे ही क्या हुआ है। ये तो हम लोग हैं रजवल, गौतम भाई अपना यहीं पे रहता है। भाई यार ओ भाई यहाँ पे आप लोग देख लो भाई यार, बिल्ली की मौत हो चुकी है, लेकिन भाई यार उसको कोई रास्ते से हटाया नहीं भाई, ये गलत काम कर रहे हैं ना भाई यार। मतलब मौत हो गई तो रास्ते से हटा दो, अभी कोई इंसान रहता तो भाई यार तुरंत मतलब हो जाती है उस पर कार्रवाई, लेकिन भाई यार बिल्ली है तो उसको कोई देख ही नहीं रहा है। चलो भाई यार अभी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, अभी देखते हैं भाई यार मतलब गाड़ी स्लो करने पे बंद होती है फिर नहीं। भाई यार गाड़ी अभी हो चुकी है बंद और चाबी अभी ऑन ही है।
अभी भाई यार यहाँ पे झगड़ा हो चुका है, बोल रहे हैं कि मतलब पेट्रोल कम डाल रहे हो। तो भाई यार अभी पेट्रोल पंप पे हो चुका था लफड़ा। एक अंकल थे वो बोल रहे थे कि मतलब तेल कम दे रहा है तू, तो उन्होंने मतलब चेक भी करवाया और मीटर भी दिखाया कि मतलब 100 रुपये का डाला हूँ तो 100 रुपये का मीटर दिखा भी रहा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा कांटा क्यों नहीं उठ रहा है, तो मतलब टंकी में अगर तेल कम रहेगा तो भाई कांटा कहाँ से उठेगा। तो भाई दोनों लोग मतलब झगड़ा कर रहे थे, अपनी अपनी तो हो चुकी और चलते हैं सीधा शोरूम पे। शोरूम के बगल में भाई यार जो है मैकेनिक उनके पास दिखाते हैं। तो भाई यार आप लोग देख लो आगे जा रही है 100 नंबर गाड़ी और अभी हम लोग आ चुके हैं भाई यार रामपुरवा में। तो यहाँ से बस 1 से 2 किलोमीटर रह गया है, तो चलो चलते हैं भाई यार अभी देखते हैं ये किधर जाता है। चलो भाई यार हो गया इधर और हम लोग गए इधर। तो चलो भाई यार अभी यहाँ से मतलब 2 किलोमीटर नहीं भाई यार 1 किलोमीटर है शायद, तो अभी पहुँचते हैं उसके बाद दिखाते हैं बाइक में क्या प्रॉब्लम है। भाई यार वहाँ पे तो दिखाए थे तो बोल रहे थे कि मतलब सीट होने के कगार पे है, अभी तक मतलब यहाँ तक हम लोग आ चुके लेकिन अभी गाड़ी में मतलब कुछ हुआ नहीं। बस यही है कि मतलब स्टार्टर कम कर रहा हूँ तो गाड़ी बंद हो जा रही है ऑटोमेटिक। अभी चलो भाई यार दिखाते हैं देखते हैं ये मतलब क्या बताते हैं क्या हुआ है बाइक में। यहाँ से मतलब भाई यार बस शोरूम है इधर, आप लोग देख लो इधर बस शोरूम है भाई यार बाइक का और कार का मतलब हर एक चीज़ का इधर शोरूम है। ये पापा कहाँ बोले थे कहाँ पे है, मतलब बोल रहे थे शोरूम के बगल में ही है, अभी देखते हैं भाई यार। पीछे गाड़ी आ रही है चलें। भाई यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पे दुकान के पास। तो भाई यार अभी आप लोग देख लो अभी भैया जी शायद से लेकर जाने वाले हैं चेक करने। अभी यहाँ पे सामने TVS एजेंसी और इधर हुंडा एजेंसी और उधर है भाई यार जावा की एजेंसी। अभी भैया जी लेकर जाने वाले हैं, देखते हैं भाई यार क्या हुआ है अभी चेक करके बताएंगे। अभी ले गए अभी आएंगे तो बताएंगे भाई यार क्या हुआ है। तो भाई यार हम लोग तो आए थे मतलब रास्ते में बता ही गए क्या हुआ है, लेकिन पूछे भैया से भी बता दें क्या हुआ है तो भी बताएंगे वो अभी आएंगे। तो अभी भाई यार भैया जी बाइक लेकर आ रहे हैं, अभी आप लोग देख लो भाई यार सचिन गोयल ब्लॉग सब्सक्राइब कर दो भाई यार, अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना। अभी बाइक आ चुकी है
यहाँ पे भी बताएंगे भैया। तो इंजन का काम करे पर लो कितना खर्चा आयो मान तीन हजार और कौन है प्रॉब्लम बा कल परसों तब ला थी भाई यार। अभी भैया जी तो मतलब बाइक को देख चुके हैं, अभी बोल रहे हैं इसमें प्रॉब्लम है, मतलब रिंग पिस्टन होता है वो डाउन हो चुका है, तो उसको बोल रहे हैं चेंज करने के लिए, और इंजन भी खुलेगा भाई ऐसा बोल रहे हैं। तो चलो भाई यार लाते हैं कल परसों में, मतलब इसको हम लोग चेंज करवाते हैं वरना बाइक चलेगी नहीं। अभी भाई यार बस एक किक में स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब गाड़ी चल चुका है, थोड़ा सा गर्म हो चुका है ना। अभी देखते हैं भाई यार, मतलब बोल रहे हैं कि कुछ देर तक और चलेगा, उसके बाद मतलब डाउन हो जाएगा कुछ किलोमीटर तक। तो देखते हैं भाई यार कहाँ तक जाता है। अभी ये होंडा का शोरूम और इधर हीरो का शोरूम था, मतलब इधर शोरूम ही शोरूम है। अभी भाई यार चलते हैं वापस भाई यार, देखते हैं क्या होता है। अभी बोल रहे हैं कि मतलब गाड़ी भगा के मत चलाना, अगर भगा के चलाओगे तो फिर इधर ही ख़त्म हो जाएगा। अभी भाई यार इसलिए हम लोग स्लो चल रहे हैं, अभी गाड़ी बन जाएगी उसके बाद भी मतलब 1 से 2 महीने तक मतलब स्लो में चलना पड़ेगा, उसके बाद से भाई यार देखा जाएगा जो होगा। तो भाई यार वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म होता है, सीधा मिलते हैं, वीडियो मतलब यहाँ पे बंद करते हैं, मिलते हैं सीधा घर पे भाई। तो भाई यार अभी हम लोग बाइक को मतलब लेके आ चुके हैं घर पे, और बाइक में भाई यार इसका जो रिंग पिस्टन होता है ना वो मतलब ख़त्म हो चुका है, तो अभी बोल रहे हैं मतलब बोर करने के लिए। तो अभी हम लोग मतलब 2 या 3 दिनों में लेकर जाएंगे इसको सही कराएंगे भाई, तब तक मतलब ब्लॉग नहीं आ पाएगा। और ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बता देना भाई। अभी ये मतलब रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग गए और आए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस मतलब गाड़ी बंद हो जा रही थी ऑटोमेटिक, बस यही प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम है तो वो तो मतलब 3-4 दिनों में ठीक हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा भाई। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।